2000 रुपए एक ऐसा बजट है जहां पे 95 to 98% पर्सन अपने स्मार्टवॉच परचेज कर सकते हैं। इस बजट में सबसे ज्यादा स्मार्टवॉच परचेज की जाती है। किसी को एमलेट चाहिए, किसी को रग डिजाइन चाहिए, किसी को राउंड डायल चाहिए एंड और भी काफी सारे रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारे रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने यहां पे आया मैं टॉप 5 स्मार्टवॉच के साथ, जो कि सारे रिक्वायरमेंट को आपको कंप्लीट करते हुए दिखेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दो गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी टॉप 5 स्मार्टवॉच की सीरीज से। वीडियो से पहले मिलते हैं तो लाइक जरूर कर देना। तो गाइज नंबर 5 पे मैंने रखी है बोट की जेनेसिस स्मार्टवॉच। ये आपको 2000 रुपए के अराउंड मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो ड्रायर मिलता है वो मिलता है मेटल का। ये एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्लोन है जहाँ पे क्राउन एक पुश बटन है, क्राउन वर्किंग कंडीशन में आपको मिलता है एंड डिस्प्ले क्वालिटी भी कुल मिला के ठीक है। ये आपको एमोलेड तो नहीं बट हाँ एएमडी का साथ जरूर दे दिए, तो ये एक प्लस पॉइंट स्मार्टवॉच का कंसिडर कर सकते हैं। बात करते हैं फीचर और फंक्शंस की। डिस्प्ले साइज 1.96 है जिसपे बेसिक रेजोल्यूशन के साथ 500 निट्स के ब्राइटनेस है। ज्यादा ब्राइट नहीं है बट हाँ बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे एक सॉलिड पॉइंट रखा गया है। एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन है जिसको देखते हुए काफी लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे एंड काफी लोगों ने परचेज भी किए। यूआई की मैं बात करूँ लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलता है जहाँ पे कोई मेजर दिक्कत नहीं है। यूआई इज स्टेबल एंड गुड। फीचर फंक्शन में बेसिक में जो स्पोर्ट मोड है 100+ आपको मिलते हैं। बेसिक सेंसर हार्ट रेट एसपीओ2 यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी आपके स्मार्ट वॉच करते हैं। तो सारे बेसिक फंक्शन के अलावा यहाँ पे आपको मिलता है कैलकुलेटर, वर्ल्ड क्लॉक, गेम कैलेंडर, एआई असिस्टेंट, फाइंड माय फोन जैसे काफी अच्छे फीचर्स जो कि इसको एक पावर हाउस बना दे एंड सॉलिड डायल मिलता है। मतलब अगर आपको स्पोर्ट खेलना तो उस टाइम पे इस स्मार्ट वॉच को यूज किया जा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स हैवी डिजाइन। यहाँ पे आपको एमोलेड नहीं मिलता बट एएमडी के साथ मिलता है जिससे पहले बताया। आउटर कूलिंग एक्सपीरियंस भी कुल मिला के ठीक है एंड जो सारी स्मार्ट वॉच है उनका कूलिंग एक्सपीरियंस मैंने एंड ऑफ द वीडियो डाला हुआ है, जाके चेक कर लेना भाई कौन से स्मार्ट वॉच का कूलिंग आपको पसंद आ रहा है। तो गाइस कुल मिला के स्मार्ट वॉच ठीक है बट नंबर 4 पर मैंने रखी है भाई फायरबोल्ट की वोगियो स्मार्ट वॉच। ये स्मार्ट वॉच आपको मैसिव 2.01 इंचेस का एक डायल दे रही है जो कि एज टू एज डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे भी आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती बट एएमडी का साथ मिल जाता है। एएमडी के साथ जो है रेस टू वेक यहाँ पे काम करता है काफी अच्छी क्वालिटी के साथ। स्मार्ट वॉच लुक डिजाइन में प्रीमियम है एंड एप्पल वॉच 8 सीरीज आप मान लीजिए इसको कंसीडर कर लीजिए बिकॉज लुक डिजाइन काफी प्रीमियम मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स अवेलेबल है तो जाके परचेज कर सकते हैं। मेटेलिक बेल्ट मिल जाएगी, क्राउन मिलता है, पुश बटन मिलता है, लाइक वर्किंग कंडीशन वाला क्राउन मिलना इस बजट में काफी पॉजिटिव पॉइंट आप कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो डिस्प्ले है 2.05 इंच का एज टू एज डिस्प्ले है जहां पे 428x518 की पिक्सल डेंसिटी है जो कि नॉर्मली एमोलेड वॉचेस में यूज होती है बट यहां पे इस बजट में भी आपको ये रेजोल्यूशन मिलता है बट एमोलेड नहीं मिलता। यूआई की मैं बात करूं तो लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा एंड काफी अच्छा डिस्प्ले ये फील होता है बिकॉज भाई एज टू एज है तो यूज करने में मजा आएगा। बेसिक फीचर सारे अवेलेबल है लाइक हार्ट रेट एसपीओ2 मिलता है, स्पोर्ट मोड में 100+ स्पोर्ट मोड आपको यहाँ पे मिलते हैं बट उसके अलावा लाइक आपको हार्ट रेट एसपीओ2, ब्लड ऑक्सीजन, ईसीजी, ब्लड प्रेशर तो ये सारी चीजें मिल जा रही हैं बट एक्यूरेसी भी आपको ऐसा है भाई ओन रिस्ट तो ठीक ठाक ये प्रोवाइड कर दिया बट टेबल पे कभी कभी डेटा दे देती है फेक। अगर एडिशनल फीचर्स की बात करो गेम यहाँ पे मिलते हैं, जीपीएस मूवमेंट आप ट्रैक कर सकते हैं, फ्लैश लाइट, फाइंड माई फोन, कैलकुलेटर, ब्री ट्रेनिंग, एआई असिस्टेंट, ये सारे एडवांस फीचर और फंक्शन मिलते हैं। तो अगर आपको जस्ट लुक के लिए स्मार्ट वॉच चाहिए तो भाई इससे बेटर मेरे को कोई स्मार्ट वॉच नहीं लगती अंडर 2000 रुपीज। आप जस्ट एक बार देखिए कितनी प्यारी कितनी कूल स्मार्ट वॉच दिखती है बट इसकी एक दिक्कत है वो है इसका बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप वाइज भाई काफी सारी दिक्कत आपको आ सकती है फ्यूचर में तो ये स्मार्ट वॉच थोड़ी सी ध्यान से आप परचेज करना। उसके बाद भाई नंबर 3 पे आ रही है फायरबोल्ट की एस्ट्रोइड स्मार्ट वॉच। ये आपको 1500 रुपए में एमोलेड पैनल, मेटेलिक डायल एंड काफी सारे फीचर्स देती है बट क्यों ये नंबर 3 आई चले देखते हैं। तो जैसे बताया यहाँ पे राउंड डायल मिलता है, एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्लोन ये भी है, यहाँ पे आपको क्राउन वर्किंग कंडीशन मिलता है, माइक्रोफोन, स्पीकर, एवरीथिंग अवेलेबल है बट जो डायल है यहाँ पे काफी बड़ा दिया गया है एंड उसमें बेजल्स भी बड़े आपको देखने को मिलते हैं। 1.43 इंच के साथ 466x466 का रेजोल्यूशन है। यूआई की बात करें स्मूथ यूआई आपको देखने मिलता है बट कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल टच भी यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो एक्सीडेंटल टच की मेरे को एक बड़ी प्रॉब्लम लगी। सेकंड चीज भाई स्पोर्ट मोड दिए गए 123 इंच, यहाँ पे स्पोर्ट मोड में आपने एक बार एंटर कर लिया तो बैक जाने का चांस नहीं है, काफी हार्ड आपको काफी ट्राई करने पड़ेंगे बैक जाने के लिए। मे बी बटन काम नहीं करते अच्छी तरह से, मे बी कोई दिक्कत है, ग्लिच है तो
आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ अगर आप चार्जिंग में लगाते हैं तो बैक जाने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। सेंसर वाइज हार्ट रेट SPO2 के अलावा यहाँ पे ब्लड प्रेशर का ऑप्शन है, बट BP की जो एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी नहीं है। एडिशनल फीचर फंक्शन में AI असिस्टेंट है, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का फंक्शन मिल जाएगा, फ्लैश लाइट है, वुमेन हेल्थ है एंड 5 फोन है, बट कोई भी गेम नहीं मिलता, कोई भी वर्ल्ड क्लॉक नहीं मिलती एंड QR कोड आप अपनी स्मार्ट वॉच में सेव नहीं कर सकते, मतलब काफी चीजें जो कि आप मिस हुई हैं, बट कॉलिंग एक्सपीरियंस कुल मिला के ठीक है। 350 mAh की बैटरी कैपेसिटी, 5V डेटा जरूर है बट बैटरी कैपेसिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं है, सेम गोज विद 5V वो गिव बैटरी बैकअप काफी कम यहाँ पे रहने वाला है एंड वही दिक्कत आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसलिए ये नंबर 3 है। नंबर 2 पे रखे हुए मैंने Ambrand की फायर स्मार्ट वॉच, ये आपको 1600 रुपए में मिलती है एंड यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है, रेस्ट वेक भी मिलता है, रेस्ट वेक एंड्रॉइड के साथ भी काम करता है। यहाँ पे आपको 2.04 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें 368x448 की पिक्सल डेंसिटी दी गई है, जो स्क्रीन क्वालिटी है, जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो काफी अच्छा है, UI भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे मिलने वाला है, तो कोई भी लैग एक्सपीरियंस आप नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूजर इंटरफेस, बट जो डायल है यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का फील होता है एंड थोड़ी सी चीप क्वालिटी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। तो अगर आप इसको वोग्यू के साथ कंपेयर करते हैं, डिस्प्ले साइज तो ऑलमोस्ट सेम है बट जो वहाँ पे शार्पनेस है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी प्रीमियम है, यहाँ पे थोड़ी चीप फील होती है। 1600 रुपए का बजट है बट सारी चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वही बजट वाली चीज हो जाती है, बट ये आपको 800 nits की मैसिव ब्राइटनेस देती है, तो आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होगी विजिबिलिटी को लेकर। 60Hz का यहाँ पे पैनल भी है और साथ साथ स्मार्ट वॉच भाई हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। बात करें फीचर फंक्शन की, 100+ यहाँ पे स्पोर्ट मोड है, IP67 ये रेटेड है, 5 दिन का बैटरी बैकअप ब्रांड क्लेम करता है बट नॉर्मली अगर हम यहाँ पे चेकआउट करें तो आपको 3 दिन का ही बैटरी बैकअप मिल पाएगा विदाउट कोल एंड 2 दिन का विद कोल एक्सपीरियंस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फेक सेंसर नहीं है, स्मार्ट वॉच अच्छी है। फीचर फंक्शन में फ्लैश लाइट, कैमरा, फ्लैश लाइट, कैलकुलेटर जैसे फीचर मिलते हैं AOD का साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो भाई फीचर्स कम है बट डिस्प्ले की क्वालिटी, ब्राइटनेस, एवरीथिंग इज गुड, इसलिए नंबर 2 पे थी। बट नंबर 1 पे मैंने रखी यहाँ पे हैमर की स्मार्ट वॉच, ये है हैमर कॉन्करर जो कि आपको 2000 रुपए में AMOLED डिस्प्ले, रग्ड डिजाइन एंड 2 स्टेप्स का ऑप्शन देती है। 2000 रुपए में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है एंड अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी फील होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द रग्ड डिजाइन। 2.02 इंचेस का यहाँ पे आपको AMOLED पैनल मिल जाता है जिसमें 320x385 320x385 की पिक्सल डेंसिटी है। अगर बात करें अदर फीचर फंक्शन की, 100+ स्पोर्ट मोड के साथ IP67 ये रेटेड है, 2 यहाँ पे बिल्ट इन AOD मोड मिलते हैं एंड 2 गेम आपको मिल जाते हैं। स्मार्ट वॉच का UI एक्सपीरियंस काफी सही है बट 60Hz का कोई भी पैनल यहाँ पे क्लेम नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस कुल मिला के ठीक है एंड एडवांस फीचर फंक्शन में यहाँ पे वुमेन हेल्थ, फाइंड माय फोन, फ्लैश लाइट, गेम ये सारे फीचर मिल जाते हैं, साथ साथ भाई हार्ट रेट एंड SPO2 जैसे बेसिक हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर अवेलेबल है विदाउट एनी फेक सेंसर। सो गाइस कुल मिला के 2000 रुपए जिसका बजट है उसकी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट की कंप्लीट करती है। इन टर्म्स ऑफ बेल्ट एंड डिस्प्ले ये सबसे बेस्ट है बट यार अगर आपको लुक चाहिए तो गाइस 5V की वोग्यू आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। सस्ते में AMOLED के लिए 5V एस्ट्रॉइड एंड एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन के लिए बोट जेनेसिस, और हाँ अगर आप बिल्ड क्वालिटी के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हैं देन Ambrand 5 विल बी ए बेटर ऑप्शन। तो गाइस ये इसलिए टॉप 5 स्मार्ट वॉच थी, तो यहाँ पे सारे फीचर फंक्शन काफी अच्छे मिलते हैं, तो गाइस ट्राई कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।